music. हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह की लिरिकल स्टेटस वीडियोग्राफ भी बनाना चाहते हैं अपने फ़ोन के एंड्रॉयड फ़ोन से, फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इसी रीडिंग के लिए जो भी मटेरियल का यूज़ किया मैंने, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। देन हम चलेंगे फोन का स्क्रीन पे, ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे एक को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स, चलते फोन का स्क्रीन पर, ओपन कर लेते काइनमास्टर एप्लीकेशन को। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। देन यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने वाले यहाँ पे 4.5 वाला डैश सेलेक्ट कर लीजिए। देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ इमेज वाले ऑप्शन पर टाइप कीजिए, एक तो ब्लैक वाला इमेज सेलेक्ट कीजिएगा। देन इसके लेंथ को स्क्रॉल करके आपको आगे तक कर लेना, जितना टाइम का आप स्टेटस बनाना चाहते उतना टाइम कर लीजिएगा। देन स्टार्टिंग में आ जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे लेयर्स वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना, मीडियम जाने, और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना है। फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ इमेज आपको दिए, तो जो भी इमेज आप वहाँ पे लगाना चाहते हो उसे ले सकते हैं। तो मैं ये वाली इमेज को ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, इसी इस तरह से जूम कर लीजिए, जितना पे भी आप रखना चाहते हो उतना पे परफेक्टली कर लीजिएगा। तो मैं इतना पे रहने देता हूँ। देन इसके लेंथ को यहाँ से स्क्रॉल करके लास्ट तक कर देना, जितना टाइम का स्टेटस बना रहे उतना टाइम कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में आएगा, स्क्रीन पे टाइप कीजिए, लेयर्स वाले ऑप्शन पे टाइप कीजिए, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर लीजिए। ऑफेंस मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से डाउनलोड में चले जाना है। सिंपली डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे कपल वाला जो इमेज है, इस तरह का इमेज और अगर आपके पास हो तो आप ले सकते हैं, या फिर इस वाले इमेज को ले लीजिएगा। देन यहाँ पे इसके एरो पे क्लिक करके इसे भी आपको लास्ट तक कर देना है। यहाँ पे आप देखते हैं ए वाली लेंथ पे, इसके लेंथ को आपको लास्ट तक कर देना है। देन यहाँ पे इसे आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है इस तरह से, और जहाँ पे भी आप इसे रखना चाहते हैं तो वहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से रखिएगा कि देखने में लगे जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से आ गया। देन स्क्रीन पे टैप कर लीजिए, इसके बाद आपको लेयर्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है, फिर से आपको मीडिया पर क्लिक कर लेना है। ऑफेंस मीडिया पर क्लिक करने के बाद एक लैम्प लाइट जो होता है वो मैंने आपको दे दिया है स्ट्रीट वाला, तो इसे आप ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसे थोड़ा छोटा करेंगे, देन इसे इस तरह से कहीं पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया। देन इसके भी लेंथ को स्क्रॉल करेंगे और लास्ट तक कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है, और फ्रेंड्स स्क्रीन पर टैप कर लेना है, लेयर्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ पर मीडिया पर क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स मीडिया पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड पर जाइएगा। और फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट मटेरियल जो है ये वाला आप देख सकते हैं, इसे आपको ले लेना है। ये फ्लैग मतलब व्हाट क्या पक्षी जो होता है सो फ्लाई करता है, तो उस टाइप का है, तो इसे आप ले लीजिएगा। यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, ब्लेंडिंग में जाएंगे और यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आसमान में आप देखिएगा, हल्का हल्का आपको लगेगा जैसे यहाँ पे ये फ्लाई कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आसमान में आप देख सकते हैं ब्लैक फ्लाई कर रहा है पक्षी जो होता है, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब स्टार्टिंग में आ जाइएगा, यहाँ पर लेयर्स वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, मीडियम जाइएगा। सो मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। फिर डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे लिरिकल्स वीडियो आप ले लीजिएगा, जो भी लिरिकल्स वीडियो आप लेना चाहे उसे ले सकते हैं, या फिर इसी को आपको ले लेना है। देन इसके आधे पे यहाँ पे सेट कर लीजिए इस तरह से, थोड़ा सा आगे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ आ रहा है। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पे सिंपली इसे एज स्क्रीन कर देना है। देन एज बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो देख सकते हैं एडजस्टमेंट वाला, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। ब्राइटनेस इसका जो है उसे आपको थोड़ा सा कम कर देना है इस तरह से, तो लाइट जो ज़्यादा आ रहा था वो अब नहीं आएगा। अब राइट क्लिक कर लीजिएगा। तो फिर इसे जहाँ पर भी आप टेक्स्ट को जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहते हो उसे कर लीजिएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा और जूम करते हैं और यहाँ पर इसे सेट करते हैं। अभी इसे प्ले करके देखिएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे आ रहा। अब आपको स्टार्टिंग वाले अंदर लेयर्स वाले ऑप्शन पे टैप करना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में जाना है। और फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे एक पीएनजी वाला जो ट्री वाला पीएनजी मैंने आपको दिया इसे ले लीजिएगा। देन इस तरह से इसे जूम कर लीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नीचे और ऊपर परफेक्टली सेट हो जाना चाहिए। देन इसे आपको स्क्रॉल करना है इस साइड में और यहाँ लास्ट तक कर लीजिएगा, जितना टाइम का आपका स्टेटस है। तो यहाँ टेक्स्ट का ब्राइटनेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो ठीक है यहाँ पे ये टेक्स्ट सही है। अभी आपको किसी भी एक साइड में ये पीएनजी जो है इसे आपको कर लेना है। तो चलिए तब तक के लिए इसे इसी साइड में कर देते हैं यहाँ पे।
तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे आ गया। अभी आपको डिलीट बटन के ऊपर की का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। टैप करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, परफेक्टली इसका लास्ट में आ जाइएगा। और फिर से यहाँ पे भी आपको थोड़ा आगे कर लेते हैं, नहीं तो स्क्रॉल में अगर प्रॉब्लम होगी। देन यहाँ पे प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद फ्रेंड्स इसे इस साइड में अब आपको परफेक्टली पूरा लास्ट तक कर देना है, यहाँ ट्री के बराबर में लेकर आ जाना है। देन यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिएगा। अभी आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। उससे पहले जो साउंड है उसका, सॉन्ग का साउंड जो है सो मैं म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो कॉपी राइट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया। देन इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। काफ़ी अच्छा लग रहा है, 3D इफेक्ट में 3D इफेक्ट टाइप का लग रहा है। लाइट कल से यहाँ पे मिल जाता है, कपल मिल रहा है, यहाँ पे फ्लाई हो रहा है, बर्ड फ्लाई जो करता है तो उस टाइप का। यहाँ पर लैंड लाइट स्ट्रीट लाइट जो लगा हुआ है, इस तरह से स्ट्रीट लाइट पर आप लाइटिंग भी दे सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से हमारी एडिटिंग हो चुकी है। अब स्टार्टिंग वाली लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम में जाने के बाद फिर से एक बार डाउनलोड में चले जाना। ऑफिस मैंने एक तो PNG आपको दे दिया है, तो उस PNG को आपको सिंपली ले लेना है, बॉर्डर PNG जो होता है ये वाला। देन ट्रिमर के बाल में फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। देन यहाँ से इसके लेंथ को भी स्क्रॉल करके लास्ट तक कर दीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, ब्लेंडिंग में जाइएगा, ऑफेंस इसे स्क्रीन कर दीजिएगा। यहाँ पे परफेक्टली आपको बॉर्डर मिल जाएगा आपका, जो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन राइट क्लिक कीजिएगा। अभी आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, उसके लिए सिंपली ऊपर एडो पर क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।